हेलो एवरीबॉडी गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हम सबके यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल अभी। गाइस, आज की वीडियो में आईकी ऑप्शन की द रेनबो पैटर्न स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात बताता हूं भाई, टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यार टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे ही मिलते हैं सबसे पहले। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कैसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं स्ट्रेटजी को, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो आईक्यू ऑप्शन में अभी आप लाइव अकाउंट से लॉग इन हो मेरे स्क्रीन पे, तो यहां पे सबसे पहले क्या करना है, यहां पे 10 सेकंड का जो टाइम है यानी कि टाइम फ्रेम है उसको 1 मिनट कर देना है। 1 मिनट करने के बाद यहां पे चार्ट टाइप आपको सेलेक्ट कर लेना है कैंडल्स को, ठीक है। दो चीजें बेसिक हैं जो आपको मेरी सारी वीडियोज में कॉमन मिलेंगी, ये चीजें बिल्कुल करना मत भूलना, क्योंकि यार यहां से ना चार्ट को जज करने में आसानी होती है। तो यहां पे उसके बाद जाना है इंडिकेटर्स वाले सेक्शन पे और जाना है मूविंग एवरेज में। मूविंग एवरेज को आपको क्लिक कर देना है। यहां पे फर्स्ट मूविंग एवरेज का जो पीरियड है वो आपको 6 सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इसे 6 सेलेक्ट करोगे, फिर कलर का जो सेक्शन आता है, कलर के सेक्शन में आपको ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं तो ग्रीन कर रहा हूं, आप चाहे जो कर सकते हैं वो आपके डिपेंड करेगा। तो यहां पे हम 3 मूविंग एवरेज अप्लाई करने वाले हैं आज इस चार्ट के ऊपर। तो दोबारा मैंने मूविंग एवरेज पे क्लिक किया, सेकंड बार इसे मुझे 14 रखना है, ठीक है। तो याद रखना है, फर्स्ट मैंने जो सेलेक्ट किया है वो किया है 6, सेकंड मैंने जो सेलेक्ट किया है वो किया है 14, और यहां पे कलर मैं कर दूंगा रेड, ठीक है। यहां पे मैंने रेड कलर कर दिया है और अप्लाई पे क्लिक कर दिया है, ठीक है। दो यहां पे ट्रेंड लाइन आप देख पा रहे हैं मेरी चार्ट पे। अब मैं क्या करूंगा, वापस मैं मूविंग एवरेज पे क्लिक करूंगा और यहां पे मैं थर्ड जो रखूंगा वो रखूंगा 26, ठीक है। 26 मैंने 3 अप्लाई कर दिए हैं और यहां पे कलर मैं रख रहा हूं इसका ब्लू, ठीक है। और जैसे ही मैंने ब्लू कलर रखा और यहां पे मैंने अप्लाई कर दिया, तो यहां पे मेरा चार्ट देख पा रहे होंगे आप। थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहां पे मैंने आपको जूम करके दिखाया है कि किस तरीके से ट्रेंड लाइन आपकी शो हो रही है ग्राफ के ऊपर आफ्टर अप्लाइंग दिस स्ट्रैटजी, ठीक है। ये स्ट्रैटजी मैंने अप्लाई कर दी है। यहां पे हमारे पास 2 तरीके के इंडिकेशन मिलेंगे, डाउनवर्ड सिग्नल के लिए 1 इंडिकेशन और अपवर्ड सिग्नल्स के लिए 1 इंडिकेशन। बिलीव मी द स्ट्रैटजी इज किलिंग और फिलहाल के मार्केट में काफी अच्छा वर्क कर रही है। एक चीज आपको बता देता हूं, स्ट्रैटजी परमानेंट नहीं होती है, कुछ टाइम तक जरूर वर्क करेंगी, उसके बाद वर्क नहीं करेंगी। तो स्टे ट्यून रहो हमारे चैनल के साथ, टाइम के साथ जो भी स्ट्रैटजी वर्कआउट होती है आपके जरूर लेके आऊंगा। और एक और बात, फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। सो गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम बात कर लेते हैं वीडियो के स्पॉन्सर की। तो यहां पे unitedtraders.com वेबसाइट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो ये वेबसाइट किस तरीके की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है, तो बेसिकली यूजफुल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और इन्वेस्ट किस तरीके से कर सकते हो, इन ऑन एवरेज आप 20-80% का प्रॉफिट पर ईयर यहां से ले सकते हो, जैसा कि आप चेक कर पा रहे हो। एक पोर्टफोलियो आप बिल्ड कर सकते हो शेयर्स के लिए, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या है सीन, क्या है मैं आपको समझा देता हूं कि यहां पे जैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, तो यहां पे से आप अच्छा खासा आइडिया ले सकते हो और रिटर्न आप देख पा रहे हो 20-80% पर आपको वहां पे मिल जाते हैं। एक चीज इस वेबसाइट के बारे में बता देता हूं, तो भैया 11 ईयर्स हो गए हैं unitedtraders.com को, ठीक है, और यूनाइटेड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और वेल्थ सेटल्ड है। और यहां पे जो सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है, बेसिकली किस तरीके की इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म इन्वेस्टमेंट प्लान्स ये प्रोवाइड करते हैं, तो यहां पे आईपीओ, प्री आईपीओ, स्ट्रेटजिक पोर्टफोलियो, स्टॉक्स एंड ईएफटीज आपको मिल जाती हैं सर्विसेज के लिए। और अगर आप इस वेबसाइट के नीचे जाएंगे तो काफी टेस्टिमोनियल्स और आपको यहां पे रेशियोज मिल जाएंगे जो आप चेक कर सकते हैं। तो ये आप यहां पे भी चेक कर सकते हैं। देखिए यहां पे भी लिखा हुआ है 11 ईयर्स हो गए हैं भाई, सही है। और 11 ईयर्स से अगर मार्केट में है तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। काफी सारे अवार्ड्स हैं यहां पे, आप चेक कर सकते हैं इनके अवार्ड्स, और आईपीओ भी चेक कर सकते हैं। बेसिकली आईपीओ क्या है ये आपको बता देता हूं। यहां पे आप $50 इन्वेस्ट करके अपनी जो है इन्वेस्ट कर सकते हो सिर्फ $50 में, और फ्यू डेज में अपने आईपीओ से अपनी कंपनी को पब्लिक कर सकते हो, यानी कि अपने शेयर्स को अच्छे से प्रॉफिट ले सकते हो अपने शेयर में, अपने अकाउंट में। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहो तो अगोरा एक कंपनी है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो 24 जून 5 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, ठीक है। ये चीज आप कर सकते हो, ट्राई करना चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइज, अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से स्ट्रेटजी से हम इंडिकेशंस ले सकते हैं। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा कि कैसे हम इंडिकेशंस ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक ब्लू कलर की लाइन है जिसका जो टाइम पीरियड है वो हमने रखा था 26, दूसरी लाइन है रेड कलर की जिसका जो हमारा टाइम पीरियड था वो था 14, और ग्रीन कलर की लाइन का हमारा टाइम पीरियड है 6, ठीक है। तो मिनिमम टाइम पीरियड वाली जो लाइन है, ध्यान से सुनना है, मिनिमम टाइम पीरियड की जो ट्रेंड लाइन है जब वो क्रॉस करेगी 14 की जो ट्रेंड लाइन है यानी रेड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड दैट टाइम उसी पर्टिकुलर टाइम पे हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए सिग्नल लेना है, ठीक है। अब देखो यहां पे हमें एक सिग्नल मिलने वाला है, जैसे कि अभी 10 सेकंड का जो चार्ट है वो कर रखा है मैंने, 1 मिनट का चार्ट कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं। बेसिकली देखो यहां पे
देखो जब भी आपको ऐसा लगेगा, आप देखिए 30 सेकंड्स के ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है, और ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई क्यू ऑप्शन में, ठीक है। यही चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें जो आई क्यू ऑप्शन में मुझे पसंद नहीं आती हैं। यहाँ पे जैसे आप जूम करोगे तो ऑटोमेटिकली वो मिनिमम पे चला जाता है। देखिए अब यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन आप देख पा रहे हैं, दोनों ट्रेंड लाइन अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस करती है तो उस टाइम पे आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में सिग्नल लेना है। यहाँ पे आपको ब्लू कलर की लाइन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ब्लू कलर की लाइन को आपको ये जज करना है कि ब्लू कलर की लाइन से ऊपर होनी चाहिए दोनों। अगर आपको अपवर्ड डायरेक्शन का सिग्नल चाहिए तो दोनों ऊपर होनी चाहिए, और अगर आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन का सिग्नल चाहिए तो दोनों डाउनवर्ड होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। तो गाइज देखिए अपवर्ड डायरेक्शन के सिग्नल के बारे में मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। जैसे ही आपकी ट्रेंड लाइन जो ब्लू कलर की यानी सबसे हाईएस्ट टाइम पीरियड की ट्रेंड लाइन है उससे ऊपर दोनों ट्रेंड लाइन होनी चाहिए पहली बात तो, उसके बाद ऊपर अगर है उसके बाद आपकी छोटी जो ट्रेंड लाइन है यानी ग्रीन कलर की जो ट्रेंड लाइन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जैसी क्रॉस करती है रेड कलर की लाइन को, आप 4 या 5 मिनट का सिग्नल डाउन अपवर्ड डायरेक्शन में ले सकते हैं। और सेम जैसी ट्रेंड लाइन ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन से नीचे दोनों लाइनें होती हैं, ठीक है, और जैसे यहां पे देखेंगे आप ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन से दोनों नीचे हैं और दोनों ने क्रॉस किया है यानी कि रेड कलर की लाइन को क्रॉस किया है ग्रीन कलर की लाइन ने, तो आपने यहां से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले लेनी थी और आप विन करोगे। मतलब सिंपल सी स्ट्रेटजी है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत इतना नहीं पड़ेगा। देखो जैसे ही ये यहां पे देखेंगे आप तो यहां पे डाउनवर्ड डायरेक्शन का सिग्नल ले सकते थे तो आप विन करोगे। मतलब अच्छी सी स्ट्रेटजी है और अच्छी वर्क कर रही है अभी फिलहाल मार्केट में, और यूज करके जरूर देखना। अगर आपको पसंद आती है तो एक चीज जरूर करना भाई, लाइक कर देना, वीडियो को कमेंट करना बिल्कुल भूलना, और भाई सब्सक्राइब कर देना फर्स्ट टाइम हो। और अच्छी से स्ट्रेटजीज, और अगर आप वीडियो में कुछ भी नहीं समझ आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अच्छी वीडियोस के लिए ठीक है स्टे ट्यून्ड विद अवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।